हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी की ओर से टोटल 320 पदों के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, नॉन इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आप 19/8/2024 तक फिलअप कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैंडिडेट के लिए रखा गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहो। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई की ओर से ये एंगेजमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है उनके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जिन कैंडिडेट ने 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राप्त किया है। जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं वो उन कैंडिडेट को यहाँ पे अप्रेंटिस नियमों के अनुसार एक साल की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी ए में अपने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करें, इसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट शामिल है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 30 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 7 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी निकाली गई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 18 वैकेंसी है। टोटल 110 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। मंथली स्टाइपेंड है वो 9000 पर मंथ रखा गया। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कैटेगरी सेकंड डिप्लोमा टेक्नीशियन ट्रेनिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 30 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 7 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 18 वैकेंसी। टोटल 110 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। मंथली स्टाइपेंड 8000 और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यहाँ भी 1 ईयर ही रहने वाला है। उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी बात करें तो इसमें बीए, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए में टोटल 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। 9000 यहाँ पे स्टाइपेंड रहने वाला, एक साल की ट्रेनिंग है वो रखी गई। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री या होनी जरूरी है। इसके टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के पास फुल टाइम डिप्लोमा यहाँ पे होना जरूरी है। और जो कैटेगरी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनके पास में यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी सच एज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीसीए है रेगुलर मोड में यहाँ पे होने जरूरी है। एज लिमिट अप्रेंटिस रूल्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। यहाँ पे अप्रेंटिस रूल्स के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है वो अप्रेंटिस रूल 1992 के क्लोज 4 के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, एक साल के लिए। जिन कैंडिडेट के पास पहले से एक साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है या जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी यहाँ पे स्क्रूटनिंग की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जो मार्क्स प्राप्त किए प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो वो आपको एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से भरना है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी की यूजर आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिन कैंडिडेट्स का पहले से अकाउंट है उन्हें एमएचआरडी नेट्स पे, और जिन कैंडिडेट का अभी अकाउंट नहीं है जो फर्स्ट टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें nats.education.gov.in के ऊपर पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के सारी स्टेप्स शेयर किए। इस प्रकार से आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी एप्लीकेशन, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग है वो हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई में करवाई जाएगी। इंपोर्टेंट डेट से तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 जुलाई 2024 से भरना शुरू होगा। एनएटीएस पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 19/8/2024 तक एक्टिव रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट है वो 20/8/2024 को डिक्लेयर की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9/9/2024 को से लेकर
11-9-2024 के बीच में करवाया जा सकता है। और इसके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है www.board-srp.com के ऊपर यहाँ पे पब्लिश है वो की जाएगी। तो दोस्तों जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके सबसे पहले केयरफुली चेक कर ले, उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।